हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके बराला स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मानसिक योग्यता यानी कि मेंटेलिबिटी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पीटीटी और बीएसटीसी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। प्रश्न ठीक उसी प्रकार के होंगे जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। यह मानसिक योग्यता का हमारे चैनल पर तीसरा वीडियो है। इससे पहले भी दो वीडियो अपलोड कर चुके हैं, वो भी आप देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, वहाँ पर जाके देख सकते हो। तो शुरू करते हैं वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन, और आप खुद से एक बार ट्राई करना कि आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड नहीं है, अगर आपकी थोड़ी बहुत भी अच्छी तैयारी है तो आपके 12 से 13 क्वेश्चन आराम से सही हो जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट है, आव्यूह में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या क्या है। ये जो पूरा आव्यूह दे रखा है इसमें यह प्रश्नवाचक चिन्ह दे रखा है, यहाँ पर क्या संख्या आएगी, तो क्या आंसर होगा इसका, तो देखते हैं इसमें लॉजिक क्या लगाएं, सबसे पहले वो पता करेंगे, उसके बाद में इसको हल कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट में देखिए 1, 6, 14, 2, 10 यहाँ क्वेश्चन मार्क्स है और 3, 15, 36 है। तो यहाँ पे देखते हैं 1 + 6 को अगर जोड़े कितने आते हैं, 7, लेकिन यहाँ पर 14 है तो 7 को किससे गुणा किया होगा, 2 से, तो यहाँ पर 14 आ गए, ठीक है। और अंतिम में दे रखा है 3, 15 और 36, 3 में 15 जोड़ दिए अगर तो 18, और 18 को अगर 2 से गुणा किया होगा तो ये आ रहे 36। तो यही लॉजिक इसमें भी लग जाएगा सेकंड वाले में, तो इसमें 2 + 10 = 12, 12 × 2 = 24, ये आंसर सही हो जाएगा अपना ऑप्शन डी। क्वेश्चन सेकंड है, आज सोमवार है तो 61वें दिन कौन सा वार होगा। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अगर आज सोमवार है तो ठीक 7 दिन बाद भी सोमवार ही होगा, मतलब हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। तो ठीक उसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें पता करना है कि 61 दिन में कितने सप्ताह होते हैं। तो ये पता करने के लिए हमें 61 को 7 से भाग देना पड़ेगा, 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 8 होते हैं 56, और अपने शेष पल बच गया 5, तो 8 सप्ताह तो पूरे पूरे प्लस 5 दिन, तो 8 सप्ताह तक जैसे कि हमें पता है अगर आज सोमवार है तो हर हफ्ते वही वार रिपीट होता है, तो 8वें सप्ताह के अंतिम दिन तक तो सोमवार हो जाएगा, उसके बाद बचे आपके 5 दिन, तो सोमवार से आप 5 दिन गिन लो, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो आपके 61वें दिन कौन सा वार हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड शनिवार। क्वेश्चन थर्ड है, महाविद्यालय का विद्यार्थी से वही संबंध है जो अस्पताल का किससे है, ऑप्शन है डॉक्टर, नर्स, इलाज या रोगी। तो जैसा कि हमें पता है महाविद्यालय में आते हैं विद्यार्थी पढ़ने, तो अस्पताल में आते हैं रोगी इलाज कराने, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 4। आप इसका आंसर डॉक्टर मत करना, क्योंकि डॉक्टर अगर इस जगह आंसर तभी होता यदि यहाँ पे होता महाविद्यालय का विद्यार्थी नहीं होता, यहाँ पर होता अध्यापक, तो इसका आंसर हो जाता डॉक्टर, लेकिन यहाँ पर विद्यार्थी है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रोगी, ऑप्शन 4। क्वेश्चन 4 है, राम की आयु श्याम से 4 गुना है, यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष हो तो राम कितने वर्ष का है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, राम की आयु श्याम से 4 गुना है तो श्याम की आयु को यहाँ पर एक्स मानना पड़ेगा, तो मान लेते हैं श्याम की आयु कितनी है एक्स, तो राम की आयु कितनी होगी, श्याम से 4 गुना है तो राम की आयु कितनी हो जाएगी, राम की हो जाएगी 4x, ठीक है, क्योंकि 4 गुना है यहाँ पर। यदि दोनों की आयु का अंतर 9 वर्ष है तो अंतर कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटा, तो 4x - x कितना है अंतर, 9, तो राम कितने वर्ष का है ये ज्ञात करना है, तो अंतर क्या है यहाँ पर 9, तो 4x में से x गया, 4x में से 1x गया तो कितने x बचा, 3x, 3x इज इक्वल टू 9, यहाँ पर x कितना हो जाएगा 9/3, क्योंकि इधर जाएगा ये मल्टीप्लाई में है तो उधर डिवाइड में हो जाएगा, 9 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3, तो 3 वर्ष किसकी आयु आई है, ये x की, और x आयु किसकी है, ये श्याम की, तो यहाँ पर पूछा है हमें राम की आयु कितनी होगी, राम कितने वर्षों का होगा, तो राम इससे 4 गुना है तो 3 वर्ष इसकी हैं, तो 4 गुना इसका हो जाएगा 3 × 4 = 12 वर्ष, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन 5 है, किसी एक संकेत में FISH फिश को लिखते हैं EHRG, RG लिखा जाता है, उसी संकेत में जंगल को कैसे लिखा जाएगा।
तो सबसे पहले इसमें लॉजिक क्या लगा है ये पता करना पड़ेगा हमें। तो इसमें क्या लिखते हैं, लिख के देखते हैं एक बार। देखिए एफ आई एस एच फिश को लिखा इन्होंने ई एच आर जी, ठीक है। एफ को लिखा इन्होंने ई, तो ई के बाद आपको पता है एफ आता है, मतलब एफ के जस्ट पहले वाला अक्षर कौन सा है, ई। तो एक अक्षर पहले का लिखा है इन्होंने, तो माइनस एक लिख देते हैं यहाँ पर। आई को लिखा है इन्होंने एच, तो आपको पता है एच के बाद आई आता है, जस्ट बाद वाला अक्षर आता है आई, तो ये भी इन्होंने जस्ट पहले वाला अक्षर लिखा है, आई के जस्ट पहले वाला अक्षर है एच। एस को लिखा है इन्होंने आर, तो एस के जस्ट पहले वाला अक्षर कौन सा है, आर, तो यहाँ पे माइनस वन लिख देते हैं। और एच को लिखा है इन्होंने जी, तो जी के बाद आता है एच, तो ये भी जस्ट पहले वाला अक्षर, मतलब जो लिखा जा रहा है अक्षर उसके जस्ट पहले वाला अक्षर इसकी कोडिंग हो रही है। तो देखिए जंगल को क्या लिखेंगे, जंगल को जे का क्या क्या आ जाएगा, एक बार जे के जस्ट पहले वाला अक्षर कौन सा आता है, आई और जे, तो आई आ गया इसका जस्ट पहले वाला अक्षर। यू को क्या लिखेंगे, यू के जस्ट पहले वाला अक्षर क्या आता है, टी यू, तो टी इसका जस्ट पहले वाला हो गया। अब आगे बचा एन, एन को क्या लिखेंगे, एन के जस्ट पहले वाला अक्षर कौन सा आता है, एम, तो एम लिख दिया यहाँ पर। जी, जी के जस्ट पहले वाला अक्षर कौन सा है, तो जी के जस्ट पहले वाला अक्षर आता है एफ जी, तो एफ हो गया यहाँ पर। और एल, एल आगे, एल के जस्ट पहले वाला अक्षर कौन सा है, के, के एल, तो के। और ई, ई के जस्ट पहले वाला अक्षर कौन सा है, डी, क्योंकि डी के बाद आता है ई, तो यहाँ पर डी हो जाएगा ये। तो ये ऑप्शन कौन सा सही है ये देख लीजिए, आई टी एम एफ के डी, तो आई टी एम एफ के डी ऑप्शन चार हो जाएगा इसका सही, आई टी एम एफ के डी। क्वेश्चन छः है, लड़कियों की एक पंक्ति के दोनों छोर से रेशमा का स्थान 19वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखिए ये बना ली अपने पंक्ति लड़कियों की, दोनों छोर से रेशमा का स्थान 19वां है, तो ये रेशमा बीच में बना ली, 19वां स्थान है इसका। इसका 19वां स्थान कब होगा, जब इस साइड भी इसकी 18 लड़कियां होगी और इस साइड भी 18 लड़कियां होगी। तो पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी हैं, देखिए 18 लड़कियां इधर हैं तभी रेशमा का स्थान इधर से 19वां है, और 18 लड़कियां इधर हैं तभी रेशमा का स्थान इधर से 19वां है। तो कुल लड़कियां कितनी होगी, 18 प्लस 18 36 प्लस एक रेशमा, क्योंकि रेशमा तो अकेली लड़की है, 36 प्लस एक 37, 18 प्लस 18 36 प्लस एक 37, तो ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन सेकंड है, दी गई अंक श्रृंखला में कौन सा अंक लुप्त है, कौन सा अंक लुप्त है ये बताना है। श्रृंखला क्या है, 4, 12, 36, 108, और ये क्वेश्चन मार्क्स, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आप बताइए। देखिए श्रृंखला में 4 के बाद आ रहा है 12, और 12 के बाद आ रहा है 36, 36 के बाद आ रहा है 108, मतलब 4 का जस्ट 3 गुना है 12, और 12 का जस्ट 3 गुना है 36, मतलब आगे वाली संख्या का पीछे वाली संख्या है जस्ट 3 गुना, 12 4 के बाद 12, 12 के बाद 36, और 36 का जस्ट 3 गुना है 108, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो 108 आएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 108 का 3 गुणा, सिंपल सी बात है, तो 108 से हम 3 को गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ऑप्शन फोर्थ 324। क्वेश्चन 8 है, निम्न तीसरे व्रत में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त संख्या क्या होगी, ये जो तीसरा व्रत है यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दे रखा है इसको ज्ञात करना है। तो देखिए पहला व्रत 4, 5, 20, 9, सेकंड है 6, 7, 42, 13, 7, 8, 15, और यहाँ पर ये संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए इसको ध्यान से देखें, तो 4, 5 उसके बाद आ रहा है 20, 9, ऊपर वाली दोनों संख्याओं को अगर गुणा करें 4 × 5 तो आ रहा है 20, और 4 + 5 करें ऊपर वाली दोनों संख्याओं को अगर जोड़ें तो ये संख्या आ रही है 9, मतलब ऊपर वाली दोनों संख्याओं से गुणा और जोड़ने पर आ रहा है ये दोनों वाली नीचे संख्या। इसी तरह है 6 + 7 इससे हो गया है 13, और 6 × 7 करें तो ये हो गया 42, तो यही लॉजिक थर्ड वाले में लग जाएगा, 7 + 8 यह हो गया 15, और 7 × 8 7 का गुणा 8 से करें तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 56, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। क्वेश्चन 9 है, किसी वस्तु को 110 रुपये में बेचने पर 12% की हानि होती है, तो उस वस्तु को
उस वस्तु पर 8% का लाभ लेने के लिए कितने रुपए में बेचा जाए। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 110 रुपये में बेचने पर उसको 12% की हानि हो रही है। मतलब मान लो उसने वस्तु को 100% मूल्य पर खरीदा है, कोई भी मूल्य हो वो अपने आप का 100% होता है, तो 100% मूल्य पर उसने उसको वस्तु को खरीदा है तो 12% की उसको हानि हो रही है। मतलब 100 में से 12 घटाएं तो 88% मूल्य इसका बचा है। तो 88% किसके बराबर है, 110 के बराबर, यहाँ पर दे रखा है। तो 88% इज इक्वल टू 110। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस वस्तु पर 8% लाभ लेने के लिए उसे कितने रुपये में बेचा जाए। 100% पर उसने खरीदा है, 8% वह लाभ लेना चाहता है, तो 108% वह उस वस्तु का मूल्य रखेगा तब वह 8% लाभ कमा पाएगा। तो 88% 110 दे रखा है तो 108% कितना होगा, ये इसने पूछा है। तो 88% इज इक्वल टू 110, तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीछे वाली संख्या ऊपर रहती है आगे वाली संख्या नीचे रहती है, तो 110 बटा 88। तो 108% का मूल्य कितना हो जाएगा, इसको सीधा सीधा इसको गुणा कर देंगे 108, तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 135। क्वेश्चन 10 है, बेमेल चुनिए, ऑप्शन है आध्यात्मिक, श्रद्धालु, नास्तिक या धार्मिक। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए आध्यात्मिक, श्रद्धालु व धार्मिक ये कहीं ना कहीं भगवान को मानने वाले हैं, और थर्ड ऑप्शन हो जाएगा नास्तिक, जो भगवान में विश्वास नहीं करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन 11 है, अरुण रोहित का पिता है, अरुण रोहित का पिता है, रोहित माला का भाई है, माला दिलीप की पत्नी है, तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता होगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे करेंगे, क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अरुण रोहित का पिता है, ये मान लिया अरुण और ये मान लिया रोहित। अरुण रोहित का पिता है तो अरुण का पुत्र कौन हो गया, सिंपल सी बात है, रोहित ये इसका पिता है तो ये इसका पुत्र है। रोहित माला का भाई है, ये जो रोहित है ये किसका भाई है, माला का, तो ये लिख दिया ये भाई। अब आगे क्या दे रखा है, माला दिलीप की पत्नी है, ये जो माला है किसकी पत्नी है, दिलीप की पत्नी है, तो ये लिख दी पत्नी। ठीक है, तो दिलीप का रोहित से क्या रिश्ता होगा, ये जो दिलीप है इसका रोहित से क्या रिश्ता होगा। देखिए रोहित की बहन का पति है दिलीप, क्योंकि माला इसकी बहन है, ये इसका भाई है तो इसकी बहन है, तो बहन का पति इसके क्या कहलाएगा, जीजा। तो दिलीप का रोहित से क्या संबंध हो जाएगा, जीजा का, तो ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा इसका, ऑप्शन चार। अगर ऐसे पूछ लेते रोहित का दिलीप से क्या रिश्ता है, तो ये हो गया इसके साला और ये इसका जीजा, तो दिलीप का रोहित से रिश्ता है जीजा का, तो ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन 12 है, उस आकृति की पहचान कीजिए जो मेज, कुर्सी तथा फर्नीचर के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से दर्शाती हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए ये जो फर्नीचर हैं, फर्नीचर के अंतर्गत ही मेज तथा कुर्सी आते हैं, फर्नीचर का ही हिस्सा होते हैं मेज तथा कुर्सी। तो ये मान लिया अगर ये फर्नीचर है तो इसी के अंतर्गत कुर्सी तथा मेज आते हैं, तो यही इसकी आकृति बनेगी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 13 है, मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में है, स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में है, तो स्कूल मॉल के किस दिशा में होगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको दिशा की जरूरत पड़ेगी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था ऊपर की तरफ होती है उत्तर दिशा, नीचे की तरफ होती है दक्षिण दिशा, ये उत्तर ये दक्षिण, इधर होती है पूर्व और इधर होती है पश्चिम। तो यहाँ पूछा है मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम किधर हो जाएगी, ये उत्तर और पश्चिम के बीच में ये दिशा। ठीक है, तो बना लेते हैं, ये बना लिया बाजार बी, बाजार को बी से लिख दिया। मॉल बाजार के 250 मीटर उत्तर पश्चिम में, तो उत्तर पश्चिम हम जानते हैं ये दिशा होगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा मॉल, ये एम लिख दिया। अब आगे क्या लिखा है, स्कूल बाजार के 250 मीटर दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम किधर हो जाएगी, दक्षिण और पश्चिम के बीच में, तो ये साइड हो जाएगी दक्षिण पश्चिम, इधर हो जाएगा स्कूल बाजार के दक्षिण पश्चिम में, ये भी 250 मीटर है और ये भी 250 मीटर है, तो स्कूल मॉल से किस दिशा में होगा, ये जो स्कूल है मॉल से किस दिशा में होगा, तो मॉल है ऊपर, स्कूल है नीचे, तो ये देख लो नीचे वाली साइड क्या हो जाएगी, दक्षिण दिशा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड दक्षिण। क्वेश्चन 14 है, 2 की घात 50 का आधा कितना होगा, 2 की घात 50 का आधा कितना होगा, तो ये लिख दिया 2 की घात 50।
किसी भी संख्या का हम आधा करें तो उसको दो से विभाजित करना पड़ता है, तो ये लिख दिया बट्टा दो, बटा दो कर देंगे, सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा अपना आंसर आधा। देखिए दो की घात 50 का मतलब क्या होता है, दो का गुणा दो से, दो का गुणा दो से, इस तरह से 50 बार हम गुणा करेंगे 50 बार, तो दो की घात 50 आएगा। अपॉन में हमारे दो हैं तो ये दो लिख दिया, एक दो से अगर एक दो काट देंगे तो ऊपर पहले 50 बार दो थे तो अब कितने बच जाएंगे, 49 बार दो, मतलब दो इंटू दो इंटू दो इंटू अब 49 बार होंगे, तो 50 बार थे तो दो की घात 50 थी, तो 49 बार होंगे तो कितने हो जाएंगे, दो की घात 49, तो अपना आंसर कितना हो जाएगा, दो की घात 49, तो ऑप्शन एक सही हो जाएगा, दो की घात 49। इसको अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, दो की घात ऊपर 50 है, नीचे दो की घात एक है, अगर आधार दोनों के समान है दो दो तो घाते घट जाती है, अगर डिवाइड में हो तो दो की घात 50 माइनस एक इज इक्वल टू दो की घात 49, आपका सीधा आंसर आ जाएगा ऑप्शन एक। क्वेश्चन 15 है, कुछ कथनों के साथ निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं, कथन क्या है, भ्रम मानसिक तनाव के कारण बनता है, भ्रम मानसिक तनाव के कारण बनता है, और मानसिक तनाव चिंता का कारण बनता है, और इन कथनों के आधार पर हमें निष्कर्ष निकालना है कि कौन सा निष्कर्ष सही हो सकता है। निष्कर्ष क्या दे रखे हैं, चिंता एक बीमारी है और भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, तो दोनों कथन के आधार पर हम निष्कर्ष निकालें तो कथन में क्या दे रखा है, भ्रम मानसिक तनाव के कारण बनता है, और मानसिक तनाव के कारण क्या हो जाता है, फिर चिंता का कारण बन जाती है, मानसिक तनाव चिंता का कारण बन जाता है, तो निष्कर्ष क्या निकल रहा है इसका, फर्स्ट निष्कर्ष है चिंता एक बीमारी है, तो ऐसा तो बिल्कुल भी उल्लेख नहीं है कि चिंता एक बीमारी है, ये तो गलत हो जाएगा फर्स्ट निष्कर्ष। सेकंड है भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, तो बिल्कुल भ्रम चिंता की ओर ले जाता है, क्योंकि भ्रम से मानसिक तनाव पैदा होता है और मानसिक तनाव चिंता का कारण बन जाता है, तो इसका सेकंड निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है, केवल निष्कर्ष फर्स्ट तर्कसंगत है, केवल निष्कर्ष सेकंड तर्कसंगत है, फर्स्ट व सेकंड दोनों, और न तो फर्स्ट न सेकंड, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, केवल निष्कर्ष सेकंड तर्कसंगत है। तो दोस्तों ये थे 15 महत्वपूर्ण प्रश्न मेंटलिबिटी के, आपको अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ऐसे हमारे चैनल से जुड़े रहिए, धन्यवाद।